हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ आज हम लेकर चल रहे हैं आपके सामने मशीन इनपुट का पार्ट सेकंड। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट आपके लास्ट क्लास में कर लिया था। कहीं आपने वो सेशन नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था वो आप सभी के लिए। पूरा बेसिक से हमने यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस की थी, और आज के यहाँ पर पार्ट सेकंड में हम आपके सामने लेकर आए हैं मशीन इनपुट आउटपुट का पार्ट सेकंड, जिसमें हम शफलिंग डिस्कस करने वाले हैं, वो भी पूरे कंप्लीट बेसिक से। लास्ट सेशन में देखिए, हमने वहां पर फिक्सिंग कंप्लीट कर लिया था। फिक्सिंग के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन वहां पर हमने देखे थे, और आज ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं शफलिंग। चलिए तो बिल्कुल बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ साथ में देखते जाइएगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं, सभी लोग फटाफट से मेरा शेड्यूल देख लीजिएगा। ये मेरा मंडे से फ्राइडे का शेड्यूल है, और सारी क्लास आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी में भी किसी भी चीज की सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। देखिए, मॉर्निंग 10 AM पे मेरी क्लास होती है डेली वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल में, 1 PM पे होती है डेली आपकी जस्ट पजल यूट्यूब चैनल में, और डेली 4 PM पे होती है मेरी स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप में। अब देखिए, 4 PM पे मेरी जो क्लास होती है अनअकैडमी ऐप में, इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे अनअकैडमी ऐप में फॉलो कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके ओपन कीजिएगा। गोल में यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा बैंक एग्जाम। बैंक एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद सर्च कीजिएगा मेरा नाम हिमांशु गजेंद्र। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बस इतना आपको काम करना है, जिससे क्या होगा, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिलती रहेगी, सारी फ्री क्लास आपको वहां पर मिल जाएगी। बट आपका यहाँ पर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और मेरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा HMG10, जिससे क्या होगा, बढ़िया से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये जो कोड है आपका HMG10, ये आपके हर कोर्स में वैलिड होगा। बिल्कुल आप अनअकैडमी ऐप में कोई भी कोर्स यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये मेरा डिस्काउंट कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और बढ़िया से डिस्काउंट वहां पर आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। अब आगे यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल बहुत बढ़िया से हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, शफलिंग आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग भी हमसे यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं, अनिल, मनीष, अदिति, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, और बढ़िया से आप लोग समझिएगा, देन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। पूरा हमको सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी यहाँ पर कभी भी हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे, विद इन सेकेंड्स आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन में देख लीजिएगा। मैं पहले 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं ताकि आप यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को देख पाए, समझ पाए। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही हैं, जो शफलिंग होता है वो कैसे होता है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीजें आपको हेल्प करेंगी, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर 1 मिनट का समय है, बहुत बढ़िया से यहाँ पर सारी चीजें देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाना स्टार्ट करता हूँ। चलिए एवरीवन, फटाफट से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बिल्कुल सभी को यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। कोई भी चीज ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और सेशन पसंद आया तो बिल्कुल सेशन को लाइक कर सकते हैं। चलिए एवरीवन, फटाफट से देखते जाइए वर्ड्स यहाँ पर कैसे अरेंज हुए हैं, नंबर्स यहाँ पर कैसे अरेंज हुए हैं, कितने स्टेप्स आए हैं, कैसे आए हैं, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर देखनी है, समझनी है। एवरीवन, और यहाँ पर किसी को कोई भी चीज समझ में आ रही होगी तो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता भी सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग रमेश, फटाफट से देखते जाइएगा क्वेश्चन किस तरीके से क्या चीज दी गई है, देन फिर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजें। एवरीवन, जितने स्टूडेंट भी हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं, फटाफट से बनाइएगा एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग शंकर, क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, इसके बाद मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा।
देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर वर्ड्स देखिए, नंबर्स में आपको बिल्कुल समझाऊंगा। वर्ड्स यहाँ पर देखिए, जो वर्ड्स आपके अरेंज हुए हैं, जो लेटर्स आपके अरेंज हुए हैं, वो कैसे अरेंज हुए हैं बहुत बढ़िया से सभी लोग देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में डब्ल्यू एच कैसे अरेंज हुआ है, सेकेंड स्टेप में बी एल हुआ है, थर्ड में एच एन हुआ है, देन फोर्थ में सी ई हुआ है, फिफ्थ में आपका जी ई अरेंज हुआ है, और लास्ट स्टेप में यहाँ पर आपका एफ आर अरेंज हुआ है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आप लोग सभी लोग देखते जाइएगा किस तरीके से चीजें अरेंज हो रही हैं। लास्ट कुछ सेकंड्स आपके पास में यहां पर है, देन बिल्कुल मैं आपको यहां पर क्या करता हूं, समझाना स्टार्ट करता हूं। एवरीवन बढ़िया से बनाइएगा। चलिए अब मेरे साथ यहां पर देखते जाइएगा सभी लोग, एवरीवन यहां पर मेरे साथ में स्क्रीन में देखते जाइए, मैं आपको यहां पर एक एक चीज यहां पर समझाते जाता हूं। आप यहां पर देखिए इनपुट आपको क्या दिया हुआ है, इनपुट आपको दिया है डब्ल्यू एच 14 12 24 बी एल एफ आर 31 एच एन 22 8 जी ई सी। अब ये आपको यहां पर इनपुट दिया था, मतलब मुझे क्या समझ में आया, इनपुट में मुझे ये देखने के लिए मिला कि यहां पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जो दो दो लेटर के हैं और कुछ नंबर्स भी आपको यहां पर दिए हुए हैं। तो इनपुट देखने के बाद में मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, मैं यहां पर आ जाता हूं लास्ट आउटपुट में, ठीक है। इनपुट के बाद में मैं कहां आ जाता हूं, आउटपुट में, और देखता हूं कि यहां पर आउटपुट कैसे अरेंज हुआ है। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं आउटपुट को समझूंगा, इसके बाद में बीच का जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे। पहले आउटपुट देखते हैं, तो वर्ड्स में देखा तो यहां पर डब्ल्यू एच दिख रहा है, फिर बी एल दिख रहा है, एच एन सी जी और एफ आर, ऐसा कुछ आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है ना। अब पैटर्न मुझे यहां पर समझना है कि पैटर्न मुझे यहां पर क्या दिख रहा है, तो पैटर्न देखिएगा बिल्कुल ध्यान से समझिए यहां पर पैटर्न कैसा दिख रहा है आपको। आप देखिए ये जो वर्ड है डब्ल्यू एच, ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है ना, डब्ल्यू की पोजिशन यहां पर कितनी है आपके पास में 23, देन बी एल आपका बी से स्टार्ट हो रहा है, पोजिशन बी का क्या है 2, मतलब सबसे बड़ा जिसका पोजिशन है वो वाला लेटर मैंने लिया है, उसके बाद सबसे छोटा पोजीशन जिसका है वो लेटर मैंने यहां पर देखो लिया है, W लिया है, उसके बाद यहां पर क्या लिया गया, B आपका लिया गया। उम्मीद करता हूं यहां पर देखो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देन यहां पर देखिए H का 8 है, ठीक है, और CE का यहां पर आपका क्या है 3 है, ठीक है। देख लीजिए यहां पर एवरीवन, सभी लोग बहुत बढ़िया से देख लीजिए, पहले W लिया फिर B लिया, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, फिर जितने रिमेनिंग हमारे पास बच गए थे इसमें भी मैंने क्या किया, सबसे बड़ा H ले लिया और सबसे छोटा आपका यहाँ पे सी ले लिया, ठीक है। फिर यहां पर देखिए जी का होता है 7 और एफ का यहाँ पर क्या होता है आपके पास में 6, फिर लास्ट में जो दो बचे थे उसमें से बड़ा ले लिया और छोटा ले लिया। सभी लोग देख लीजिए, अब सबको समझ में आ गया होगा ना वर्ड्स यहाँ पर कैसे अरेंज हुए आपके, है ना, सबको समझ में आ गया होगा कि डब्ल्यू बी एच सी जी एफ के बीच में क्या लॉजिक आपको दिख रहा है। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया से सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वर्ड्स आपको समझ में आ गया तो नंबर्स में आते हैं, ठीक है। वर्ड्स आपको समझ में आ गया तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, नंबर्स में आते हैं, देखते हैं नंबर्स यहां पर कैसे अरेंज हुए हैं, ठीक है। अब नंबर्स में देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में आपको 31 दिख रहा है, सेकंड में आपको 14 दिख रहा है, थर्ड स्टेप में आपको 22 दिख रहा है, देन फोर्थ में आपको 8 दिख रहा है, फिफ्थ में आपको 12 दिख रहा है और सिक्स्थ में आपको 24 दिख रहा है। अब ये कैसे आया, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है। आप देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेप में डब्ल्यू एच मेरा अरेंज हुआ ना, फर्स्ट स्टेप में मेरा क्या हुआ, डब्ल्यू और एच अरेंज हुआ। तो देखिए W और H के पोजीशन ऐड कर दीजिए, W का 23 होता है, H का मेरे पास पोजीशन कितना होता है 8 होता है, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 31 आएगा ना। तो बिल्कुल देखिए स्टेप नंबर 1 में यहां पर क्या हुआ, मेरा 31 ही अरेंज हुआ है। बिल्कुल एवरीवन यहां पर देख सकते हैं आप लोग, जो स्टेप 1 में मेरा यहां पर जो नंबर अरेंज हुआ है वो क्या हुआ है 31, और 31 कैसे आया, वहां पर जो वर्ड अरेंज हुआ W और H, तो W का पोजीशन और H का पोजीशन मुझे वहां पर क्या करना था, ऐड करना था, ठीक है। देन सेकेंड यहां पर कौन सा है मेरे पास में, बी एल, ठीक है, तो बी का पोजीशन हमारे पास में 2 है और एल का पोजीशन हमारे पास में क्या है 12 है, तो एडिशन कितना आ जाएगा 14। तो आप सभी लोग देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में यहां पर 14 आपका रेंज हुआ है। थर्ड स्टेप में देखिएगा एच और एन, मतलब यहां पर क्या करना है आपको, 8 + 14 करना, तो कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। तो बिल्कुल देखो 22 आपका वहां पर अरेंज हुआ है। देन थर्ड, यहां थर्ड के बाद फोर्थ देखिए, सी और ई में क्या करेंगे आप, 3 + 5, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा आपका 8।
देन जी और ई 7+5 है ना, 7+5 आपको यहाँ पर करना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। और लास्ट में देखिएगा एफ प्लस आर, ठीक है, मतलब यहां पर क्या करना है 6+18 आपको करना है, तो कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि यहां पर नंबर्स में कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है, बिल्कुल यहां पर नंबर में कोई भी पैटर्न नहीं है, यहां पर जो वर्ड्स अरेंज हो रहे हैं वर्ड्स के अकॉर्डिंगली यहां पर क्या हो रहे हैं आपके नंबर भी अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए एवरीवन, सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, अब यहां तक तो सारी चीजें देखो आपको समझ में आ गई होंगी। अब मेन मुझे समझना है कि शफलिंग का मीनिंग क्या होता है। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि फिक्सिंग मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट होते हैं वो वहां पर फिक्स होते जाते हैं, कहीं मैंने एक बार किसी को अरेंज कर दिया तो वो वहां पर क्या हो जा रहे थे, फिक्स हो जा रहे थे। अब यहां पर शफलिंग का मीनिंग देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है हम सबसे पहले देखते हैं, है ना, फर्स्ट स्टेप में यहां पर क्या हुआ है हम सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट में यहां पर 31 अरेंज हुआ है और राइट में यहां पर आपका क्या हुआ था, WH अरेंज हुआ था, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, 31 देखो आगे शफल हो गया ना, और WH भी क्या हो गया आपका, आगे शफल हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप ध्यान से देखिएगा, 31 भी आगे शफल हो गया और WH भी क्या हो गया आपका, आगे शफल हो गया। अब सेकेंड स्टेप में दो नए एलिमेंट मेरे पास अरेंज हुए हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे अरेंज हुआ है आपका 14 और राइट कॉर्नर पे क्या हुआ है आपका BL, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, थर्ड स्टेप में देखिएगा यहां पर 14 और 31 आपके आगे शफल हो गए, ठीक है, 14 और 31 आपके आगे शफल हो गए, और यहां पर राइट में देखिएगा तो WH और BL आपके आगे शफल हो गए, ठीक है। यहां पर जो अरेंज हुआ है थर्ड स्टेप में वो क्या हुआ है, कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में 22 और राइट कॉर्नर में क्या हुआ है आपका HN। तो देखो पैटर्न क्या समझ में आ रहा है आपको, यहां तक सबको पैटर्न समझ में आ गया होगा ना। मुझे पैटर्न क्या समझ में आया कि इस मशीन में कुछ वर्ड्स और नंबर्स आपको इनपुट में डाल दिए जाते हैं, तो आपको जो लास्ट आउटपुट मिलता है वो कैसे मिलता है, यहां पर पहले नंबर्स मिलते हैं, नंबर्स के बाद में आपको वर्ड्स मिलते हैं, और वर्ड्स कैसे अरेंज हुए हैं, सबसे बड़ा वर्ड देन सबसे छोटा, फिर जितने बच गए उसमें सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, और उसके अकॉर्डिंगली यहां पर क्या हुए आपके नंबर्स अरेंज हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली यहां पर क्या हुए आपके नंबर अरेंज हुए हैं। और ऐसी आपको स्टेप्स में भी देख सकते हो, स्टेप में भी यही हुआ है, लेफ्ट और राइट कॉर्नर में चीजें अरेंज हो रही है और अलग अलग स्टेप में वो क्या हो रहे हैं, अंदर शफल होते जा रहे हैं, और जो भी अरेंज होगा वो क्या होगा आपका कॉर्नर पे ही अरेंज होगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए एवरीवन, सभी लोग देख लीजिएगा स्टेप्स, यहां पर बहुत ध्यान से समझते जाएगा, स्टेप्स यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी को डाउट यहां पर आ रहा होगा स्टेप्स में, तो मैं फिर से सभी को यहां पर बता देता हूं। देखो यहां तक तो सारी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को भी कोई डाउट होगा। अब सभी लोग मेरे साथ में यहां पर क्या कीजिएगा, एक एक स्टेप यहां पर देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है, एक एक स्टेप यहां पर देखते जाइए, समझते जाइए। तो पहले स्टेप में मैंने क्या बोला, लेफ्ट कॉर्नर पे देखो 31 अरेंज हुआ और राइट कॉर्नर पे क्या हुआ WH, मतलब मुझे मेनली WH ही अरेंज करना है, WH के साथ 31 ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा ना, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में देखिए 31 और WH आगे शफल हो गए, ठीक है, शफल हो गए, अरेंज मेरा यहां पर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है आपका 14 और राइट कॉर्नर पे BL, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में देखोगे तो क्या दिख रहा है आपका, 31 और 14 दोनों आगे शफल हो गया, ठीक है, यहां WH और BL दोनों आपके आगे शफल हो गए, जो अरेंज हुआ है थर्ड स्टेप में वो क्या हुआ है आपका यहां पर 22 और HN, ठीक है, देख लीजिए एवरीवन, बिल्कुल शंकर यहां पर देखते जाइए मेरे साथ में, मैं बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूं, है ना, आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देन स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ देखो, 22 आगे शफल हुआ, 14 आगे शफल हुआ यहां पर, और 31 आगे शफल हो गया। राइट में देखा जाए तो WH आगे शफल हुआ है, BL आपका आगे शफल हुआ है, HN आपका आगे शफल हुआ है, जो अरेंज हुए स्टेप नंबर 4 में वो क्या क्या हुए, लेफ्ट कॉर्नर में आपका 8 हुआ है, राइट कॉर्नर में यहां पर आपका CE हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप नंबर 5 में देखिएगा, स्टेप नंबर 5 में आपके देखो यहां पर 31 आगे शफल हुआ, 14, 22, 8, ये सभी आपके आगे शफल हो गए, और राइट में भी देखा जाए तो WH, BL, HN, CE सब आपके आगे शफल हो गए, जो अरेंज हुआ है वो क्या हुआ है आपका 12 हुआ है और GE हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल देखो यहां पर पैटर्न सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को पैटर्न समझ में आ गया होगा ना। अब यही पैटर्न जो हो क्या होगा आपका, यही पैटर्न जो होगा वो आगे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट इनपुट में भी क्या होने वाला है, अप्लाई होने वाला है, बिल्कुल नेक्स्ट इनपुट में भी क्या होगा, यही पैटर्न आपका अप्लाई होगा। बट मैंने आपको क्या बोला, हम पूरा कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम पूरा कभी भी यहां पर सॉल्व नहीं करेंगे, हमको यहां पर क्या करना है, विद इन सेकेंड्स आपको ट्रिक्स की यूज के हेल्प से यहां पर क्या करना है, सॉल्व करना है। अब मैं ट्रिक्स आपको सिखाने वाला हूं,
तो बहुत बढ़िया से ध्यान से आगे देखते जाइएगा। कहीं यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो बिल्कुल एक बार मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए सारी चीजें क्लियर है, तो बिल्कुल मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको यहाँ पे आगे ट्रिक सिखा देता हूँ एक बार। बट ट्रिक मैं आपको तभी सिखा पाऊंगा जब यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग मुझे बता दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड है, एवरी वन, रमेश, शंकर, अदिति, ओम प्रकाश, अनिल, मनीष, एवरी वन, फटाफट से बता दो भाई मुझे क्या यहां तक सारी चीजें आप सभी को क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद बिल्कुल आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक हम सीखते हैं ना, सबको यहां तक देखो सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब बिल्कुल हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ट्रिक्स हम सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो आगे जो इनपुट यहां पर लिखा है ना, आगे जो इनपुट आपका लिखा है यहां पर टोटल कितने स्टेप्स आएंगे ये मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं आप यहां पर हमारे साथ देखिएगा, डायरेक्टली देखिएगा यहां पर मैं कैसे बता सकता हूँ। आप यहां पर क्या कीजिए, इनपुट में काउंट कर लीजिए, इनपुट में काउंट कर लीजिए कि एलिमेंट्स आपके यहां पर कितने हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स काउंट कीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखो इनपुट आपके पास कितने थे, 12 थे, 12 एलिमेंट्स मेरे पास यहां पर थे, ठीक है। अब 12 एलिमेंट्स में यहां पर देखिएगा वर्ड्स आपके पास में कितने थे, 6 थे, और नंबर्स आपके पास में यहां पर कितने थे, 6 थे। तो स्टेप्स भी यहां पर कितने आ गए आपके पास में, 6 आ गए, ठीक है। स्टेप्स भी आपके पास यहां पर कितने आ गए हैं, 6 आ गए। देखो समझ में आया आपको स्टेप्स मैंने यहां पर कैसे निकाले, इनपुट को काउंट करके आपको यहां पर स्टेप्स निकालना है, ठीक है। तो यही मैं मेथड क्या करता हूं आगे आने वाले इनपुट में भी आपको लगाता हूं। तो इनपुट में देखो यहां पर कितने एलिमेंट काउंट करता हूं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 12 एलिमेंट्स मुझे यहां पर दिख रहे हैं, बिल्कुल 12 एलिमेंट्स मुझे यहां पर दिख रहे हैं। आगे जो इनपुट दिया वहां पर कितने दिख रहे हैं, 12 एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना। अब यहां पर नंबर्स काउंट करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 नंबर हैं और 6 आपके वर्ड्स हैं। तो बिल्कुल जो आगे इनपुट लिखा है इसमें भी आपके क्या होंगे, टोटल कितने स्टेप्स आ जाएंगे, 6 स्टेप्स आ जाएंगे। अब मुझे कैसे समझ में आया 6 स्टेप आएंगे, क्योंकि हर स्टेप में देखिएगा, हर स्टेप में आपका एक वर्ड अरेंज होगा, एक नंबर अरेंज होगा, ठीक है। हर स्टेप में आपका एक वर्ड अरेंज होगा, एक नंबर अरेंज होगा, और 12 एलिमेंट है मेरे पास में, तो 12 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए मुझे 6 स्टेप लग जाएंगे ना, क्योंकि 6 वर्ड्स हैं और 6 नंबर्स हैं, ठीक है। हर एक स्टेप में एक वर्ड और एक नंबर आपका यहां पर अरेंज होते जाएगा। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आप सभी लोग ने बता दिया, निर्जा, मनीषा, अदिति, ओम प्रकाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से आप सभी लोग ने बता दिया है, 6 स्टेप यहां पर हमारे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, कोई मिडिल का आपको स्टेप लिखना हो, कोई मिडिल का आपको स्टेप लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ये भी हम सीख लेते हैं फटाफट से। देखो आप यहां पर ध्यान से देखो, स्टेप नंबर वन में यहां पर देखिएगा, स्टेप नंबर वन में आपको यहां पर क्या दिख रहा है, स्टेप नंबर वन में आपको दिख रहा है कि लेफ्ट में एक एलिमेंट अरेंज है, राइट में भी आपका एक एलिमेंट अरेंज हुआ है। स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या दिख रहा है, राइट में दो एलिमेंट अरेंज हुए हैं, लेफ्ट में भी आपके दो एलिमेंट अरेंज हुए हैं। स्टेप नंबर थ्री में देखिएगा, लेफ्ट में तीन एलिमेंट अरेंज दिख रहे हैं, राइट में तीन एलिमेंट दिख रहे हैं अरेंज, बीच में जो भी बचे हैं वो उसी ऑर्डर में लिखे गए, ठीक है। बीच में जो भी एलिमेंट्स है वो उसी ऑर्डर में वहां पर क्या है, लिखे गए, ठीक है। तो बिल्कुल इसी को यहां पर फॉलो करते हुए आगे आपको यहां पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो मनीषा ने यहां पर बहुत बढ़िया से पॉइंट मुझे एक बता दिया, इस टाइप के इनपुट में ऑटो अरेंज नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने मनीषा, शफलिंग में कभी भी कोई एलिमेंट ऑटोमेटिकली अरेंज नहीं होता है। बिल्कुल अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिए, स्टार बना के रख लीजिए, यहां पर कोई भी एलिमेंट आपका ऑटो अरेंज नहीं होगा, हर एलिमेंट को आपको यहां पर क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अब यहां पर आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। अब यहां पर देखिएगा, ये इनपुट मेरे सामने लिखा है और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या लिखा है, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी देयर, आपके पास यहाँ पे टोटल कितने स्टेप्स आने वाले हैं ये बताना। तो ये तो मैंने निकाल लिया था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो यहाँ पर आ जाएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 स्टेप्स आ जाएंगे, बिल्कुल 6 स्टेप्स यहाँ पर हमारे आ जाने वाले हैं। सभी लोग बहुत बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है, और मैंने बहुत आराम से यहाँ पर सारी चीजें समझाई है, उम्मीद करता हूँ सबको बहुत बढ़िया से सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, राइट द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट, ऊपर जो इनपुट दिया है इसका मुझे यहां पर क्या करना है, लास्ट स्टेप लिखना है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप का मतलब क्या है, यहां पर देखिएगा, लास्ट स्टेप का मतलब यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट में यहां पर देखो 6 एलिमेंट अरेंज हो जाएंगे, 6 एलिमेंट कौन से होंगे आपके,
नंबर्स है ना, लास्ट में 6 नंबर्स अरेंज होंगे, और राइट में देखा जाए तो इस तरीके से यहां पर क्या होंगे आपके वर्ड्स अरेंज हो जाएंगे, यहां पर क्या होंगे आपके वर्ड्स अरेंज हो जाएंगे। मैं देखो एक बार लिख भी देता हूं, मैं यहां पर एक बार लिख भी देता हूं, यहां पर जो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में अरेंज होंगे वो आ जाएंगे, इस प्लेस में जो सेकंड सेकंड स्टेप में अरेंज होंगे वो आ जाएंगे, देन इस प्लेस में कौन कौन आएगा जो थर्ड स्टेप में अरेंज हुए हैं, ठीक है, यहां पर कौन आने वाला है फोर्थ फोर्थ जो लिख रहा हूं जहां पर जो फोर्थ स्टेप में अरेंज हुए हैं, ठीक है, देन जो फिफ्थ स्टेप में अरेंज हुए हैं वो दोनों इस प्लेस में आ जाएंगे, और लास्ट जो सिक्स्थ स्टेप में अरेंज हुए हैं वो दोनों आपके इस प्लेस में यहां पर आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अब यहां पर क्या कीजिएगा, मेरे साथ देखते जाइएगा कि कैसे मैं स्टेप नंबर 6 यहां पर लिख रहा हूं। देखो शफल होते होते जो फर्स्ट स्टेप में अरेंज होंगे वो मिडिल में आ जाएंगे ना, तो देखो यहां पर आप इनपुट में देखिएगा सबसे पहला आपका वर्ड कौन सा अरेंज होने वाला है, सबसे बड़ा कौन सा है, टी है ना, तो बिल्कुल टी आपका यहाँ पर नंबर 1 में आएगा, और टी के साथ में जो नंबर आने वाला है 25 वो यहां पर आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर पे आपका 25, ठीक है, बिल्कुल यहां पर समझ में आ गया। चलिए निर्जा मैम ने मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बहुत बढ़िया से लिखकर भी मुझे दिखा दिया है, चलिए तो बहुत ही बढ़िया, एक बार मेरे साथ में यहाँ पर सभी लोग देख लीजिएगा, मैं फटाफट से आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, है ना, ठीक है, तो 25 और टी आ जाएगा। अब टी के बाद में सबसे छोटा कौन सा है, एटी, तो यहां पर हमारे सामने आ जाएगा आपका एटी, फिर सबसे बड़ा कौन सा है आपके पास में, एच ई, देन सबसे छोटा कौन सा है आपके पास में, बी सी, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद में यहां पर देखो सबसे बड़ा कौन सा बच गया हमारे पास में, सबसे बड़ा कौन सा बच गया हमारे पास में, एफ वाई, और सबसे छोटा कौन सा बच गया हमारे पास में, सी पी, ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर हमारे पास में आ जाएगा, ऐसा कुछ यहां पर हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए टी का मैंने 25 लिख दिया, एटी का यहां पर आ जाएगा 21, देन एच ई का आ जाएगा हमारे पास में 13, ठीक है, बीसी का आ जाएगा हमारे पास में 5, और एफ वाई का आ जाएगा 31, और 6 का यहां पर आ जाएगा आपका 19। बिल्कुल सभी लोग मेरे साथ यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल सभी लोग मेरे साथ यहां पर देख सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट यहां पर आ रहा हो तो मैं एक बार फिर से देखो आपको समझा देता हूं, कहीं कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो बिल्कुल मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर मेरे साथ में देखिएगा सभी लोग, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे बड़ा वर्ड लिया टी, ठीक है, फिर सबसे छोटा कौन सा हुआ आपका, सबसे छोटा कौन सा हुआ आपका, एटी, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, एटी। अब जितने भी बचे हुए हैं, जितने भी बचे हुए हैं उसमें सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा कौन सा हमारे मेरे पास में, एच है ना, तो एच को देखो यहां पर अरेंज किया मैंने, और सबसे छोटा कौन सा है, बीसी, तो सबसे छोटा ले लिया, देखो सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, ऐसा आपको यहां पर लेना है ना, फिर लास्ट में 2 बच गए थे, एफ वाई और सीपी, तो बड़ा कौन सा है, एफ वाई, और छोटा यहां पर कौन है आपका, सीपी, तो ऐसा देखो यहां पर क्या हुए, चीजें आपकी यहां पर अरेंज हुई है, ठीक है, एवरीवन सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग यहां पर देख सकते हैं मेरे साथ में, और कोई भी आपको डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल आप मुझे बता दीजिएगा, और इसी के साथ में देखो सारे नंबर्स भी यहां पर क्या हो गए आपके, अरेंज हो गए, एवरीवन फटाफट से देख लीजिए, निर्जा और अदिति ने मुझे यहाँ पर स्टेप लिखकर बताया था, बिल्कुल एक बार आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, है ना, कोई भी आपको डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल आप मुझे बता भी सकते हैं, एवरीवन। चलिए बिल्कुल आगे चलें, इसके बाद में आगे चलते हैं यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, राइट स्टेप नंबर 3 ऑफ द गिवन इनपुट, स्टेप नंबर 3 लिखना है, स्टेप नंबर 3 का मतलब क्या है, लेफ्ट में 3 एलिमेंट अरेंज होंगे आपके, और राइट में क्या होंगे आपके, 3 एलिमेंट यहां पर अरेंज होंगे, ठीक है, लेफ्ट में 3 एलिमेंट अरेंज होंगे, राइट में 3 एलिमेंट अरेंज होंगे, बाकी बीच में जो भी बच रहे हैं वो उसी ऑर्डर में आ जाएंगे। चलो तो बिल्कुल मैं क्या करता हूं, पहले यहां 3-3 अरेंज करता हूं, तो देखो फर्स्ट स्टेप में यहां टी अरेंज हुआ होगा, देन यहां पर एटी अरेंज हुआ होगा, देन यहां पर आपका एच ई अरेंज हुआ होगा, ठीक है, देन टी का नंबर यहां पर 25 था, एटी का 21 था, और एच ई का कितना था हमारे पास में, 13 था, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए 13 आ गया, 21 आ गया, 25 आ गया, अब लेफ्ट में 3 अरेंज कर दिए, राइट में 3 अरेंज कर दिए, अब जो बच गए हैं यहां पर मिडिल में 6, वो उनको उसी के सीक्वेंस में वापस मुझे यहां पर लिख देना है, तो जो भी बचे हैं फटाफट से लिखना स्टार्ट करता हूं, देखो इनपुट में देखना है ना, इनपुट में देखना है, और जो भी एलिमेंट यहां पर दिख रहे हैं जिस सीक्वेंस में दिख रहे हैं इनको फटाफट से यहां पर लिख दीजिएगा, तो फटाफट से लिख देते हैं, देखो क्या आ जाएगा, एफ वाई 31 5 19 बी सी, और यहां पर आ जाएगा आपका सी पी, तो बिल्कुल देखो थर्ड स्टेप भी मैंने यहां पर लिख दिया है, बिल्कुल थर्ड स्टेप मैंने यहां पर लिख दिया है,
बिल्कुल मनीष, ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा कहाँ करेगा, शफलिंग के मेथड में यूज करेगा। लास्ट क्लास में देखिए, याद कीजिए, हमने वहां पर फिक्सिंग सीखा था और फिक्सिंग का रूल वहां पर सीखा था, फिक्सिंग का शॉर्ट ट्रिक सीखा था। बट आज के सेशन में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शफलिंग सीख रहे हैं, बिल्कुल है ना, बढ़िया से शफलिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं और शफलिंग का शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल शंकर, यहाँ पर मेरे साथ में देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप लिखा है। अब थर्ड स्टेप मैंने कैसे लिखा है, देखो राइट में आपके तीन अरेंज हुए हैं और लेफ्ट में भी आपके यहाँ पर क्या हुए, तीन अरेंज हुए हैं। आपको यहाँ पर सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा कब कब अरेंज हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में देखो आपका टी अरेंज होगा सबसे बड़ा, देन सबसे छोटा कौन सा, ए टी, देन इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा बचा, एच ई। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने यहाँ पर अरेंज किया ना, और वैसे लेफ्ट में भी मुझे यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अरेंज करना है उनके साथ साथ वाले नंबर। देखो टी का यहाँ पर देखो, टी का 20, ई का 5, 25, तो यहाँ पर देखो 1 में 25 आ गया। सेकंड देखो 80 है तो 20 और 8 21, तो बिल्कुल 21 आ गया है। देन एच ई में देखिएगा 8 और यहाँ पर 5 तो 13, तो बिल्कुल 13 आ गया है। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी लोग ने यहाँ पर मुझे लिखकर भी बता दिया है, वेरी गुड एवरीवन। सभी लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और मैं देख पा रहा हूँ जैसा आप सभी लोग ने वैसे करेक्ट ही लिखा हुआ है। इसका मतलब सबको यहाँ पर सारी चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ गई हैं। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर काफी आसान सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, एक मिनट का समय मैं आपको देता हूँ समझने के लिए यहाँ पर सारी चीजों को, इसके बाद मैं क्या करूंगा आपको यहाँ पर बढ़िया से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। चलिए एवरीवन फटाफट से बनाइएगा, फटाफट से बनाइए एवरीवन, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पैटर्न देखिए। सबसे पहले पैटर्न हम कैसे देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं इनपुट, इनपुट के बाद में सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके बाद में लास्ट आउटपुट देखेंगे। इनपुट और आउटपुट समझ में आ जाए तो इसके बाद क्या करेंगे, मिडिल का प्रोसेस पूरा हम वहां पर देखेंगे। तो फटाफट से देखते जाइए एवरीवन, फटाफट से देखते जाइएगा, इसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पर आगे डिस्कस करेंगे, और जैसा हमने पहला क्वेश्चन बनाया है इसी तरीके से हम यहां पर आगे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बनाने वाले हैं। बिल्कुल बनाइए फटाफट से एवरीवन। इनपुट तो देख लिया होगा, लास्ट आउटपुट देखिए, आउटपुट यहां पर कैसा दिख रहा है आपको। आउटपुट तो देखो वैसे समझ में आ रहा होगा सभी को, है ना, आसानी से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपके अल्फाबेट जो अरेंज हुए हैं, लेटर्स जो बोल सकता हूँ या फिर जो नंबर्स अरेंज हुए हैं, वो बिल्कुल मुझे पैटर्न में यहाँ पर दिख रहे हैं। तो किस पैटर्न में है बता दीजिए मुझे फटाफट से, किस पैटर्न में आपको यहां पर दिख रहे हैं फटाफट से बता दीजिएगा एवरीवन, जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए बिल्कुल, आप लोग ने यहां पर बताना स्टार्ट कर दिया लॉजिक, लेटर्स एंड नंबर्स बोथ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही, अदिति मैम ने भी मुझे बता दिया है। आप बिल्कुल देखो आउटपुट को देखकर यहां पर समझ सकते हैं, आउटपुट को देखकर यहां पर समझ सकते हैं। देखिए टी एस जी डी सी डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है ना, और यहां पर 81, 71, 56, 26, 14, ये भी आपको क्या दिख रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा दिख रहा है आपको। ठीक है, बिल्कुल मनीषा ने भी मुझे यहाँ पर बिल्कुल बहुत बढ़िया से बता दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, आउटपुट तो मुझे समझ में आ गया, बट यहाँ पर हर स्टेप में जो अरेंजमेंट हो रहा है वो भी देखिएगा, हर स्टेप में अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 1 में, तो लेफ्ट कॉर्नर पे सी आपका अरेंज हुआ है, राइट कॉर्नर में आपका 88 अरेंज हुआ है, मतलब अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है वो लेटर मैंने लिया है और नंबर जो सबसे बड़ा होता है वो नंबर मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो सी आपका देखो आगे शफल हुआ, 88 आपका आगे शफल हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहां पर आपका लेफ्ट कॉर्नर पे डी अरेंज हुआ और राइट कॉर्नर पे क्या हुआ, 71 अरेंज हुआ। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में के बाद में थर्ड स्टेप में देखिएगा, थर्ड स्टेप में डी और सी दोनों आपके आगे शफल हो गए और राइट में 88 और 71 दोनों आपके शफल हो गए आगे। जो अरेंज हुआ है वो थर्ड स्टेप में आपका क्या हुआ, जी हुआ है और एक 56 हुआ है। ठीक है, आपका जी अरेंज हुआ है, 56 अरेंज हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल फोरम ने भी मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया से समझा दिया है, यहाँ पर लिख दिया है कमेंट सेक्शन में, और बिल्कुल बहुत बढ़िया से उन्होंने करेक्ट बताया है।
ठीक है, फोर्थ स्टेप में देखो यहां पर क्या हुआ है, आपका एस अरेंज हुआ है और 26 अरेंज हुआ है, ठीक है। चलिए तो बहुत बढ़िया से देखो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब यही पैटर्न यूज करना है आपको आगे आने वाले इनपुट में। और मैंने आपको जैसे बताया यहां पर कभी भी पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से हम क्या करेंगे सारी चीजें निकाल लेंगे। तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिएगा, फटाफट से मुझे एक बार बता दीजिए कि यहाँ जो नीचे इनपुट दिया हुआ है उसमें कितने स्टेप्स आने वाले हैं, नीचे जो आपको इनपुट दिया है यहां पर कितने स्टेप्स आएंगे फटाफट से मुझे एक बार बता दीजिए एवरीवन। इनपुट जो आपके सामने लिखा है वो क्या लिखा है, F52A9625JR15H73BS38 and 49। तो इनपुट काउंट कीजिए, नंबर्स काउंट कीजिए, आपके लेटर्स काउंट कीजिए और मुझे बता दीजिए टोटल स्टेप्स कितने आ जाएंगे। तो बिल्कुल ओम प्रकाश ने मुझे यहां पर बता दिया 7 स्टेप्स आपके आ जाएंगे, बिल्कुल 7 स्टेप्स यहां पर आ जाएंगे ये बोल रहे हैं। मैं एक बार काउंट कर लेता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बिल्कुल देखो यहां पर मुझे 14 एलिमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, 14 एलिमेंट्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं जिसमें से 7 आपके नंबर्स हैं, 7 आपके क्या है लेटर्स हैं। तो बिल्कुल यहां पर मैं बोल सकता हूं 7 स्टेप्स आ जाएंगे। बिल्कुल मनीष, मनीषा, मनीष पवार, अदिति, रितिशा सभी लोग ने करेक्ट बता दिया है। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, हाउ मेनी टोटल स्टेप्स विल बी देयर, तो आंसर यहां पर हमारे पास में कितना आ जाएगा 7 स्टेप्स, ठीक है। आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 7 स्टेप्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है राइट लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट, लास्ट स्टेप लिखना है, लास्ट स्टेप लिखना है मतलब देखो लेफ्ट में आपके 7 एलिमेंट अरेंज होंगे, ठीक है, लेफ्ट में आपके 7 एलिमेंट अरेंज होंगे और राइट में भी यहां पर क्या होने वाला है आपका 7 एलिमेंट अरेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम क्या करेंगे पूरे के पूरे एलिमेंट अरेंज करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन के आउटपुट को देखते हुए। तो बिल्कुल यहां पर आप आउटपुट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसी पैटर्न में मुझे यहां पर क्या करना है बिल्कुल पूरा लास्ट स्टेप लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे लास्ट स्टेप, कैसे लिखेंगे फटाफट से लिखिए आप लोग, फिर मैं लिखूंगा यहां पर तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। एवरीवन जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ यहां पर कनेक्टेड है सभी लोग अपने कॉपी में वहां पर लिखते जाइए लास्ट स्टेप, देख लीजिए यहां पर पैटर्न आपका एक बार, उसके बाद में यहां पर जो स्क्रीन में लिखूंगा तो बिल्कुल आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए एवरीवन फटाफट से लिखिएगा, फटाफट से लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसका। अब मैं यहां पर देखो लिखना स्टार्ट करता हूं, मैं आपका लिखना स्टार्ट करता हूं, देखिएगा यहां पर जो फर्स्ट स्टेप में अरेंज होगा वो यहां पर देखो आ जाएगा जहां पे नंबर वन, नंबर वन मैंने लिखा है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका यहां पर क्या अरेंज होगा देखते हैं, सबसे पहले आपका यहां पर आ जाएगा ए और सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ जाएगा 96। तो ए और 96 देखो यहां पर अरेंज होगा ना, फर्स्ट स्टेप में आपका लेटर अरेंज होगा ए और नंबर कौन सा अरेंज होगा आपका 96, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड में क्या होगा आपका बी होगा और 96 से छोटा कौन सा होगा 73 होगा, ठीक है। देन आपका यहां पर बी के बाद में क्या होगा एफ अरेंज होगा और 73 के बाद में यहां पर क्या होगा आपका 52 अरेंज हो जाएगा, ठीक है। देन एफ के बाद क्या होने वाला है आपका एच होने वाला है और 52 के बाद क्या हो जाएगा आपका 49 यहां पर अरेंज हो जाएगा। एच के बाद होगा देखो जे और यहां राइट में आपका 49 के बाद क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। चलो जे के बाद यहां पर क्या होने वाला है आपका आर हो जाएगा और यहां पर 38 के बाद क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट स्टेप में यहां पर आपका होगा अरेंज एस, ठीक है, और यहां राइट में क्या आ जाएगा आपका 15। बिल्कुल देखो बिल्कुल यहां पर मनीष ने मुझे यहां पर लिखकर भी बता दिया है एस आर जे एच एफ ए एफ। देखो मनीष आपने वहां पर बी मिस कर दिया शायद, एक बार मनीष वहां पर चेक कर लीजिएगा, बी आपने मिस कर दिया है, ठीक है। देन 96 73 52 49 38 25 15, बिल्कुल मनीष आपने पूरा करेक्ट लिखा है, बस बी एक आपने मिस कर दिया, बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं सबको यहां पर सारी चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा कि लास्ट स्टेप मैंने यहां पर कैसे लिखा है ना। अब लास्ट स्टेप आपको लिखना आ गया तो मुझे यहां पर क्या करना है, आप देखो स्टेप नंबर 4 लिखना है। अब जिनको भी यहां पर डाउट है कि स्टेप नंबर 4 कैसे लिखते हैं बहुत ध्यान से मेरे साथ देखते जाइएगा। देखो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, लेफ्ट कॉर्नर में आपके 4 एलिमेंट अरेंज होंगे, है ना, लेफ्ट कॉर्नर में 4 एलिमेंट होंगे अरेंज और राइट पे भी क्या होगा आपका, राइट पे भी यहां पर आपके 4 एलिमेंट अरेंज होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट में 4 और राइट में 4, 8 हो गए अरेंज, मुझे 14 करने हैं, मतलब मिडिल में यहां पर 6 आपके और आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा आ जाएगा।
बट यहां पर देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, यहाँ पर मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर लिखना, आपके आसान भी हो जाएगा। देखो स्टेप नंबर वन में जो अरेंज होगा वो यहाँ पर आएंगे, देन स्टेप नंबर टू में जो अरेंज होने वाले वो यहाँ पर आ जाएंगे, जहां पे नंबर टू लिख रहा हूँ, देन जहां पर मैं नंबर थ्री लिख रहा हूँ वहां पे स्टेप नंबर थ्री वाले आने वाले, देन जहां पे मैं स्टेप फोर फोर लिख रहा हूँ वहां पर स्टेप नंबर फोर में जो अरेंज होगा वो आपका आ जाएगा, फिर मिडिल में जो बचेंगे वो आपके सारे आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो अब यहां पर मेरे साथ देखते जाइएगा, मैं यहां पर अरेंज करता हूं। फर्स्ट स्टेप में कौन सा लेटर आएगा आपका, ए, देन सेकेंड में आएगा बी, और थर्ड में आएगा एफ, और फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। ठीक है, राइट में नंबर्स की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, 96, देन 73, देन 52 और देन 49। देखो ये होंगे आपके अरेंज स्टेप नंबर फोर में। अब जो बच चुके हैं, है ना, यहाँ इनपुट में देखिएगा जो बच गए हैं एलिमेंट वो उसी सीक्वेंस में यहाँ पर लिखे जाएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है, उसी सीक्वेंस में आपको लिख देना है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या बचा है, एक तो आपका 25 बचा है, 25 के बाद में जे बचा हुआ है, जे के बाद यहाँ पर आपका आर बचा है, आर के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा, एस के बाद में आ जाएगा 38। तो बिल्कुल ये देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका स्टेप नंबर फोर। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा स्टेप नंबर फोर मैंने यहां पर कैसे लिखा है। ठीक है, देखो मैंने स्टेप नंबर फोर आपको लिखना सिखा दिया, तो आप स्टेप नंबर टू भी लिख सकते हैं, स्टेप नंबर थर्ड भी लिख सकते हैं, स्टेप नंबर फाइव भी लिख सकते हैं, कोई भी स्टेप आप यहां पर लिख सकते हैं। देखो जिस नंबर का स्टेप लिखना होगा उतने एलिमेंट लेफ्ट में, उतने एलिमेंट राइट में आपके अरेंज होंगे, बट ध्यान रखिए ये जो हम सीख रहे हैं अभी, ये क्या सीख रहे हैं हम, शफलिंग का मेथड सीख रहे हैं। बिल्कुल शफलिंग में आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, अप्लाई करनी है। चलिए तो वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया से सभी लोगों ने यहाँ पर सीख लिया है। अब बिल्कुल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, फटाफट से पूरा क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए एवरीवन, अब यहाँ पर थर्ड भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल वन मिनट का टाइम मैं आपको यहाँ पर देता हूँ समझने के लिए, है ना, वन मिनट का टाइम मैंने आपको दे दिया है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, समझिए, और पैटर्न तो देखो आपको सभी को पता ही है कि यहाँ पर शफलिंग का आपका पैटर्न है। ठीक है, शफलिंग का आपका पैटर्न है, ये सभी को आपको पता ही है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ इनपुट देखना है, इनपुट के बाद में आउटपुट देखना है, और आउटपुट के बाद में यहां पर सारे स्टेप्स आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से यहां पर देख लीजिए, इसके बाद में आपको यहां पर आगे क्वेश्चंस में लेके चलूंगा और सारी चीजें आपको समझाऊंगा। बिल्कुल वन मिनट का टाइम आपके पास में है एवरीवन, फटाफट से देख लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में यहाँ पर कनेक्टेड हैं, कहीं आपको सेशन पसंद आ रहा है, सारी चीजें पसंद आ रही हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एवरीवन, जितने स्टूडेंट भी हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं। चलिए बिल्कुल सॉल्व कीजिए एवरीवन, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए एवरीवन, फटाफट से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, रमेश बोल रहे हैं 49 नहीं सर, 46। ओके, 49 शायद मैंने लिख दिया होगा वहां पर, 46 के प्लेस में, है ना। बिल्कुल देख लीजिएगा आप लोग सभी लोग, अभी यहां पर फटाफट से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। थर्ड यहां पर देखिए किस तरीके से सारी चीजें आपको दिख रही है, हर एक स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बिल्कुल हर स्टेप आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल देखते जाइए एवरीवन। बिल्कुल, चलिए निर्जा मैम ने मुझे बता दिया, लेटर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट यहां पर देखिए एक स्टेप में आपका एक ही एलिमेंट अरेंज हो रहा है, आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि हर स्टेप में एक ही एलिमेंट आपका अरेंज हो रहा है ना। आपके यहां पर जो ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ऑड स्टेप्स में यहां पर लेटर्स अरेंज हो रहे हैं, और जो इवन नंबर ऑफ स्टेप्स है वहां पर आपके नंबर्स अरेंज हो रहे हैं। बिल्कुल सभी लोग देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर मनीषा, रितिशा, मनीष सभी लोग ने बहुत बढ़िया से मुझे बता दिया है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हर एलिमेंट जो है वो अलग अलग स्टेप में आपका अरेंज हो रहा है। ठीक है, एक स्टेप में लेटर हो रहा है, देन एक स्टेप में नंबर हो रहा है, फिर एक स्टेप में लेटर हो रहा है, फिर एक स्टेप में आपका नंबर हो रहा है, इस तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर क्या अरेंज हुआ, ए अरेंज हुआ। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप में आपका यहां पर 20 अरेंज हुआ। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में देखो ए आपका शफल हुआ आगे, और यहां पर क्या हुआ आपका डी अरेंज हुआ।
ठीक है। देन फोर्थ स्टेप में देखिएगा 20 आपका यहां पर आगे शफल हुआ, अरेंज क्या हुआ 22। मतलब देखो यहां पर आपको समझ में आ गया ना, जितने एलिमेंट होंगे उतने आपके स्टेप्स आने वाले, जितने एलिमेंट होंगे उतने आपके यहां पर क्या आने वाले हैं, स्टेप्स आने वाले हैं। सभी लोग बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन्होंने लेटर से स्टार्ट किया है, पहले लेटर फिर नंबर, फिर लेटर फिर नंबर, फिर लेटर फिर नंबर, है ना। लेटर भी देखो ए डी एच पी टी, अल्फाबेटिकली सारी चीजें अरेंज हो रही हैं। और नंबर में भी देखिएगा 20, 22, 33, 44, 69, मतलब ये भी आपका क्या असेंडिंग ऑर्डर में। तो बिल्कुल देखो पैटर्न आपको समझ में आ गया, पैटर्न सभी को समझ में आ गया है, आउटपुट आपने देख लिया होगा। तो बिल्कुल क्या करता हूं मैं, बिना किसी देरी के आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिना किसी देरी के आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बढ़िया से। जितने भी स्टूडेंट हैं देखो, जितने भी स्टूडेंट यहां पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आगे मुझे बढ़िया से यहां पर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहीं स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पा रहे हैं तो थोड़ा सा पैटर्न यहां पर नोट करके रख लीजिए, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल आप यहां पर सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो आपको इनपुट दिया है, सबसे पहले मैं यहां पर निकालूंगा कि टोटल स्टेप्स यहां पर कितने होंगे, ठीक है। टोटल स्टेप्स यहां पर कितने होंगे, सबसे पहले मैं आपका ये निकालूंगा, ठीक है। टोटल स्टेप्स यहां पर कितने होंगे, सबसे पहले मैं आपका ये निकालने वाला हूं। तो सभी लोग मुझे बता दो, एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट यहां पर मेरे साथ कनेक्टेड है, फटाफट से सभी लोग मुझे बता दीजिए कि टोटल यहां पर स्टेप्स आपके कितने आ जाएंगे। एवरीवन सभी लोग बता दो यहां पर कितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, कितने स्टेप्स आपके आ जाएंगे। बिल्कुल निर्जा मैम ने बिल्कुल सही बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेप्स। तो बिल्कुल काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बिल्कुल 10 एलिमेंट्स है, तो यहां पर कितने आ जाएंगे आपके, 10 स्टेप्स आ जाएंगे। बिल्कुल 10 स्टेप्स यहां पर हमारे आ जाएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया एवरीवन, बहुत बढ़िया से आप लोग ने मुझे बता दिया है, ठीक है। अब एक बार कोई मुझे लास्ट स्टेप लिखना हो तो बिल्कुल लास्ट स्टेप हम यहां पर लिखते हैं। एक बार मैं आपको समझाता हूं, कहीं मुझे लास्ट स्टेप यहां पर लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पर 10 एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। 10 एलिमेंट्स मुझे यहां पर लिखने हैं तो कैसे लिखूंगा, देखो यहां पर पहले फर्स्ट एलिमेंट अरेंज हुआ, फिर यहां आपका सेकंड एलिमेंट अरेंज होगा, फिर यहां आ जाएगा आपका थर्ड एलिमेंट, ठीक है। देन यहां आ जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। इसके बाद यहां पर अरेंज करूंगा मैं फिफ्थ, इसके बाद यहां पर अरेंज करेंगे सिक्स्थ, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा, है ना। फिर यहां आ जाएगा आपका सेवन, सेवन के बाद यहां आ जाएगा आपका एट नंबर, एट के बाद यहां पर आ जाएगा आपका नाइन्थ, और नाइन्थ के बाद यहां पर क्या आ जाएगा आपका, टेन आ जाएगा। ऐसा मैं यहां पर लिख सकता हूं ना, ऐसा मैं यहां पर लिख सकता हूं, बिल्कुल टेन स्टेप्स यहां पर ऐसे हो जाएंगे, लास्ट स्टेप लिख सकता हूं। तो बिल्कुल फटाफट से लिख देते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में आपका यहां पर सबसे छोटा लेटर आएगा कौन सा, बी, ठीक है। तो बी के बाद में यहां पर देखिएगा, बी के बाद में यहां पर सेकेंड क्या आने वाला है आपका, थर्टीन, ठीक है। क्योंकि एक आपको यहां पर ऐड भी करना है ना, सभी लोग ने वहां पर देखो पैटर्न में देखा होगा, सभी लोग ने यहां पर पैटर्न में देखा होगा ना कि यहां पर क्या हो रहे हैं, ऐड सबट्रैक्ट भी हो रहे हैं। इनपुट में देखो यहां पर 19 था, तो यहां पर क्या आया आपका, 20 आया, है ना। ये 19 प्लस 1 से आया। यहां पर देखो 22 कैसे आया है आपका, 22 कैसे आया, 23 माइनस 1 करने से 22 आपका आया हुआ है, ठीक है। 23 माइनस 1 करने पर आया हुआ है। इसके बाद देखो यहां पर 33 आया, 33 यहां पर कैसे आया आपका, ये आया है 32 माइनस 1, ठीक है, ओके, 32 प्लस 1 आपका। देन 44 यहां पर आया, 44 यहां पर कैसे आया आपका, 45 माइनस 1। मतलब यहां पर ऐड सबट्रैक्ट भी आपका हुआ है ना, ऐड सबट्रैक्ट भी हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखते हुए मैं क्या करूंगा, पूरा लास्ट स्टेप यहां पर फटाफट से लिखूंगा, ठीक है। तो सभी लोग यहां पर देखिएगा, मैं फटाफट से यहां पर लास्ट स्टेप लिखता हूं आपका। तो फर्स्ट में देखो बी आ गया था, देन सेकेंड में 12 के बाद आ जाएगा यहां पर 13, देन थर्ड में बी के बाद आ जाएगा यहां पर एफ, 13 के बाद में देखो यहां पर क्या 18 से क्या बन जाएगा आपका, 17 बन जाएगा, ठीक है। 18 के बाद में यहां पर क्या बन जाएगा आपका, 17 बन जाएगा, ठीक है। बी एफ के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पे के आ जाएगा। देन सिक्स्थ नंबर पे देखोगे यहां पर तो 38 के बाद में क्या आएगा आपका, 39 आएगा, ठीक है। 38 के बाद क्या आएगा, 39। देन के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर एम लिखना पड़ेगा, है ना। और M के बाद में यहां पर देखो 43 से बन जाएगा आपका 42। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐड सबट्रैक्ट भी करना है 1, है ना, प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 भी आपको यहां पर करना है, ठीक है। देन कॉर्नर पे यहां पर क्या आ जाएगा, M के बाद में R, और राइट कॉर्नर पे चले जाएगा आपका 57। तो बिल्कुल सभी लोग देख लीजिए, बिल्कुल ओम प्रकाश ने मुझे यहां पर लिखकर भी बता दिया है, आर एम के
FB 13 17 39 42 57, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ना। निर्जय मैम ने भी देखो बता दिया, ऑड नंबर्स में प्लस वन, इवन नंबर्स में माइनस वन। नहीं देखो ऐसा यहां पर नहीं है, ऐसा यहां पर एग्जैक्टली नहीं है। देखो निर्जय मैम आपको मैं बताता हूं, यहां पर अल्टरनेट करना है। पहले आपको प्लस वन करना है, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन। जैसे 12 से 13 हो गया, ठीक है, 12 से 13 हो गया, 18 से 17 हो गया, देन आपका 38 से 39 हुआ है, 43 से 42 हुआ है, और यहां पर देखा जाए तो 56 से क्या हुआ है, आपका 57 हुआ है। बिल्कुल इस तरीके से सारी चीजें आपकी यहां पर हुई है। चलिए तो लास्ट स्टेप तो हमने लिख लिया, अब जो भी क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जा रहा है वो हमको क्वेश्चन यहां पर क्या करना है, आंसर करना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सभी लोग क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखिए, क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 38 इन स्टेप 5 फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 38 इन स्टेप 5 फ्रॉम द राइट एंड। तो बिल्कुल मुझे यहां पर क्या करना है, स्टेप नंबर 5 लिखना है। बिल्कुल स्टेप नंबर 5 लिखना है, तो कैसे लिखूंगा देखो मैं, देखो यहां पर क्या करता हूं, यहां पर आएगा जो फर्स्ट स्टेप में अरेंज होगा, फिर यहां पर आ जाएगा जो सेकेंड स्टेप में अरेंज होगा, फिर यहां आएगा जो थर्ड स्टेप में अरेंज होगा, फिर यहां पर आ जाएगा जो फोर्थ स्टेप में अरेंज हुआ है, फिर इस प्लेस में आ जाएगा जो आपका फिफ्थ स्टेप में अरेंज हुआ है। बस यहां तक अरेंज होंगे ना, बीच में यहां पर क्या होंगे, बीच में जो बाकी एलिमेंट बच गए हैं 1 2 3 4 5, बाकी एलिमेंट बीच वाले यहां पर आ जाएंगे। अब कैसे अरेंज करेंगे फटाफट से देखिएगा, तो फर्स्ट स्टेप में यहां क्या अरेंज हुआ मेरे पास, बी। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, 13। देन थर्ड में यहां पर क्या हुआ था हमारे पास में, एफ। देन फोर्थ में क्या हुआ था हमारे पास में, 17। फिफ्थ में क्या हुआ था आपके पास में, के। अब जो एलिमेंट बच गए हैं उनको उसी सीक्वेंस में वापस लिख दीजिए, ठीक है, बिल्कुल इनपुट के सीक्वेंस में, इनपुट का सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है। तो यहां आ जाएगा एम 38, 56, आर 43। तो बिल्कुल देखो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 5, ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया यहां पे, स्टेप नंबर 5 हमने यहां पर बहुत बढ़िया से लिख दिया है। ठीक है, सभी लोग देख लीजिएगा, स्टेप नंबर 5 हमने लिख दिया है। अब स्टेप नंबर 5 में मुझे यहां पर क्या बताना है, स्टेप नंबर 5 मुझे ये बताना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 38 इन स्टेप फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से देखिएगा, राइट एंड से यहां पर 38 का कौन सा प्लेस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन 6। बिल्कुल बहुत बढ़िया से सभी लोग देख लीजिएगा, 6 मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको यहां पर सारी चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। एवरीवन सभी लोग यहां पर देख लीजिएगा, 6 यहां पर क्या होगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा। चलिए किसी को भी देखो यहां पर कोई भी डाउट आएगा तो बिल्कुल आप लोग मुझे बता सकते हैं ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपको सारी चीजें यहां पर समझनी है। चलिए तो 3 क्वेश्चन देखो आज के सेशन में यहां पर हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन में आपको यहां पर होमवर्क देने वाला हूं, बिल्कुल बहुत बढ़िया से घर से आपको बनाकर लेके आना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा इसके बारे में, है ना, और पूरा क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए ये आपको यहां पर क्या करना है, अपने से बनाकर सॉल्व करके लेकर आना है नेक्स्ट क्लास के पहले, ठीक है। तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर शफलिंग का ही है, ठीक है। तो बिल्कुल शफलिंग का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा इनपुट देख लीजिए, आउटपुट देख लीजिए, सारे बीच के जो प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, वो सारे यहां पर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में जो इनपुट दिख रहा है वो भी देख लीजिए, और बिल्कुल यहां पर क्या करना है, देखो हमको कहीं इनपुट समझ में आ गया, आउटपुट समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया, तो फिर मुझे कोई भी स्टेप्स बोला जाए मैं बिल्कुल लिख सकता हूं ना, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आगे इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो मैं क्या कर सकता हूं, बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो फटाफट से एवरीवन इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। इसके बाद यहां पर जो भी इनपुट आपको दिया है, इससे जो भी क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं, वो बिल्कुल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमारे पास में, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ 64 इन स्टेप 1। तो स्टेप 1 तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहां पर क्या क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 6। तो बिल्कुल स्टेप नंबर 6 भी हम लिख सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में, कहीं आपको ये सेशन पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक कहीं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। सेशन में तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय। कहीं किसी को कोई भी यहाँ पे डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। और सभी को यहाँ पर नेक्स्ट क्लास के पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया ये बनाकर लेके आना है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।